ये है महात्मा बुद्ध की नगरी या एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सारनाथ की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मैश डायरीज। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं सारनाथ, महात्मा बुद्ध की नगरी या फिर यूँ कहें एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल। फ्रेंड्स, ये है सारनाथ का थाई टेम्पल। हम शुरुआत करते हैं सारनाथ के इस थाई टेम्पल से, जो कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना हुआ है। आज हम आपको लेके चलते हैं इस टेम्पल के अंदर और दिखाते हैं इस टेम्पल में कितनी सुंदर महात्मा बुद्ध की छवि देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आपको सामने दिख रही है महात्मा बुद्ध की बहुत ही विशाल मूर्ति बनी हुई है। उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं अभी मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर में कितनी सारी मूर्तियां आकृति बनी हुई है। वो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, वो महात्मा बुद्ध का मंदिर है या फिर उसे थाई टेम्पल भी कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं सरोवर बनाए गए हैं और सामने ये महात्मा बुद्ध के सुनहरे रंग की आकृति है और पीछे चक्र बना हुआ है। ऐसे ही इस मंदिर में बहुत सारी महात्मा बुद्ध की आकृति बनाई गई हैं। फ्रेंड्स, ये है अशोक स्तंभ। फ्रेंड्स, अशोक स्तंभ के साथ साथ यहाँ महात्मा बुद्ध की अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए मूर्तियाँ दिखाई देंगी। प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर के मुख्य भवन तक थाईलैंड संस्कृति की झलक साफ देखने को मिलती है। इस मंदिर के आकर्षक हैं ये सरोवर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितने सुंदर ये सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सभी सरोवर को अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया है। किसी को गौतम बुद्ध सरोवर, किसी को महामाया सरोवर या फिर किसी को कुछ और नाम से ही डिफाइन किया गया है। और हर सरोवर को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितने सुंदर ये फूल लग रहे हैं और कितना सुंदर ये सरोवर लग रहा है, जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित की गई हुई है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इन सरोवर में आपको ये फिश देखने को मिलेंगी। बहुत सारी इसमें फिश पड़ी हुई हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव ये लग रहा है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये है महात्मा बुद्ध की शेषनाग वाली आकृति। तो देखा आपने फ्रेंड्स, इस पूरे मंदिर में महात्मा बुद्ध की छाप दिखाई देती है या फिर यूँ कहें कि इस पूरे सारनाथ में महात्मा बुद्ध की छवि देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने है महात्मा बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमा। कहा जाता है ये हमारे देश की अभी तक की सबसे लंबी सबसे ऊंची प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की। और ये महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो अभी तक की सबसे विशाल प्रतिमा मानी जाती है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को बनाने में लगभग 14 वर्ष का समय लग गया था और इस प्रतिमा को बनाने में 815 बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। 16 मार्च 2011 को थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सुरायुत ने इस प्रतिमा का शिलान्यास किया था। महात्मा बुद्ध की इस विशाल प्रतिमा के नीचे आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीकों को भी दर्शाया गया है। बिल्कुल सामने महात्मा बुद्ध की सुनहरे रंग की आकृति रखी हुई है और उसके ठीक पीछे धामे के स्तूप का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है और इसके ऑपोजिट में बोध गया का प्रतीक दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, ये है थाई टेम्पल का मुख्य भवन। तो चलिए हम चलते हैं इस भवन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा दिखता है। इस मंदिर की खासियत इसकी थाई वास्तुशिल्प शैली है। फ्रेंड्स, ये मंदिर बाहर से काफ़ी कलरफुल दिखता है, इसीलिए दूर से ही ये बहुत ही डिफरेंट दिखाई पड़ता है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है बाहर से देखने पे। फ्रेंड्स, एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जिनमें थाईलैंड, जापान और चीन जैसे कई बौद्ध प्रधान देशों से आने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आप देखिए मंदिर के अंदर कितना खूबसूरत लगता है और कितनी खूबसूरती से महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देखिए सुनहरे रंग की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई हैं और उनका अपना अलग महत्व है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत ये प्रतिमाएँ हैं और हर प्रतिमा का अपना अलग महत्व है और अलग उपदेश है। फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर तो महात्मा बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं, साथ ही मंदिर के बाहर ऊपर की तरफ
महात्मा बुद्ध की छवि को बनाया गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए दर्शाए गए हैं। वो ध्यान में है, साथ ही वो विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर, और ये मंदिर के बाहर भी महात्मा बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। थाई टेंपल में बनी महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा को बनाने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि जब तालिबानी समुदाय ने अफगानिस्तान में मौजूद महात्मा बुद्ध की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो यहाँ सारनाथ में इस विशाल प्रतिमा को बनाने का काम शुरू किया गया, और ये सिलसिला 14 वर्ष तक चला। 14 वर्ष के लंबे अथक प्रयास के बाद आज सारी दुनिया के सामने इस विशाल मूर्ति के रूप में महात्मा बुद्ध को अपना अस्तित्व मिला। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने मंदिर में ऊपर महात्मा बुद्ध की छवियों को दर्शाया गया है, और ये लाफिंग बुद्धा का स्टैचू यहाँ रखा हुआ है, जो सुनहरे रंग का है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और सामने महात्मा बुद्ध की एक और प्रतिमा रखी है जो काले रंग की है, जिस पे सुनहरे रंग के वस्त्र को पहनाया गया है। फ्रेंड्स, फ्लाइट भी निकल चुकी है, और अब हम भी निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो है सारनाथ का धार्मिक स्तूप। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने आपको थाई टेम्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।